हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, यानी कि 2 या 3 महीने रह गए हैं बस। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, तो इसी बीच हमने सोचा कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाए जाए, जिससे आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सके। तो देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट 3rd है, डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक से। फर्स्ट प्रश्न है, विच कंट्री जूल्स माइकलेट बिलोंग टू? कौन सा देश जूल्स माइकलेट से संबंधित? जर्मनी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, इन विच ईयर जूल्स माइकलेट डिफाइंड द टर्म रेनेसा? किस ईयर में जूल्स माइकलेट ने डिफाइन किया था टर्म रेनेसा को? 1855 में, यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विच टाइप ऑफ मूवमेंट वॉज रेनेसा मूवमेंट? किस प्रकार का आंदोलन रेनेसा आंदोलन कहा जाता है? ट्रेडिशनल। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विच मूवमेंट इंस्पायर इटालियन स्कॉलर्स टू स्टडी फिलोसॉफी एंड लिटरेचर? किस मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट इंस्पायर्ड हुआ था इटालियन स्कॉलर्स से स्टडी फिलोसॉफी एंड लिटरेचर में? रेनेसा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, हु वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली इन द टाइम ऑफ रेनेसा? रेनेसा के समय कौन इटली का एक महान था? वर्जिल। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न, हु एस्टैब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को किसने स्थापित किया? विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मार्क्स अराइवल ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में रेनेसा की मांग को किसने अराइवल किया था? चौसर। राइट आंसर है सी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? किसे इंग्लिश पोएट्री के पिता जाना जाता है? शेक्सपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज पोएट्री एक्सपोज द इन्फ्लुएंस इन रेनेसा इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में रेनेसा को किसकी पोएट्री ने प्रभावित किया था? शेक्सपियर। राइट आंसर है ए। विच एज रेनेसा इन्फ्लुएंस मच? रेनेसा किससे अधिक प्रभावित हुआ था? विक्टोरियन एज से। सी इज राइट आंसर। एक कैजुरा इज ए इन ए लाइन? एक कैजुरा में लाइन होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्लेवल। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? पोएटिक लाइसेंस क्या है? पोएट्री रिटन टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वेरिफिकेशन, रॉयल परमिशन टू राइट पोइट्री, लिबर्टीज एंड लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोइट्री। राइट आंसर लिबर्टी विद लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोइट्री। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इन कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज मीन्ड बाय कथारसिस? कथारसिस का मीन्स क्या है? राइट आंसर है, कथारसिस मीन्स होता है साफ होना। तो इसका राइट आंसर, परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाई, डिस्टोपिया जो टर्म है वो किसको इम्प्लाई करता है? अनप्लेसमेंट इमेजरी वर्ल्ड। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल? राइट आंसर है वर्किंग क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ पोएट्री? राइट आंसर है, इट इज रिटन इन वर्स। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए ट्रेजिक हीरो? कौन सा रिक्वायरमेंट एक दुखद नायक है? मस्ट बी मेल, मेल होना। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ए मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नैरेटिव? राइट आंसर है होमेरिक एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टोटल सेज दैट ए प्लॉट मस्ट हैव यूनिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 यूनिटीज? राइट आंसर है यूनिटी ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लॉट? Which of the following is not a part of Aristotle's definition of tragedy? It has an unhappy ending. Next question, which is the figure of speech used in following sentence? निम्नलिखित में से कौन सा figure of speech दिया गया है? ये line जो दी गई है, इसमें कौन सा figure of speech है यह इसमें बताना है। Right answer है metaphor. Next question, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच?
इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच पाना है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रॉफी है। प्रश्न, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द प्लोगमैन होम बार प्रॉड्स इज बियरी बे। राइट आंसर है ट्रांसफर्ड एफिडेट। नेक्स्ट प्रश्न, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इन लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है उसे हमें पॉइंट आउट करना है। फियर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रियस आइज, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर ऑन शेक्सपियर्स ग्रेवस्टोन। राइट आंसर है क्रस्ट वी ही दैट मूव्स माय बोन्स। वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएम बाय। वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है वो किसकी है? विलियम शेक्सपियर।